ईशा और अभिषेक के झगड़े जो हैं वो लेवल क्रॉस करते जा रहे हैं, और जो झगड़ा इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, जो आज रात के एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला है। इन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर सवाल उठाए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पास्ट रिलेशनशिप को लेकर ताने मारे हैं। यहाँ पर कहना है ईशा का कि अभिषेक ऐश्वर्या के पास जाकर अंकिता की बातें इधर उधर करता है, लेकिन अभिषेक का कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उस पर जो है गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब इन सारी चीज़ों के बाहर आने के बाद जो है कहती हुई नजर आई है ईशा कि तुझसे तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल तक नहीं होता है, तू क्या ही कर लेगा। तो यहाँ पर वो उसके एग्रेशन का ताना मारती हुई नजर आई, तो उसने बोला अच्छा तुझे लगता है कि मैं चुगलीखोर हूँ, एग्रेसिव हूँ, तो तू मेरे साथ 1.5 साल क्या कर रही थी। तो वही 1.5 साल के रिश्ते का जो है बता रहा है, बोल रहा है अभिषेक, जो 1.5 साल निकाले हैं यहाँ पर ईशा और अभिषेक ने साथ साथ। तो एक बात तो तय है कि यहाँ लगातार कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अगली होती जा रही हैं और ये लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ताने मारते हुए और चीज़ों को गलत गंदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ईशा और अभिषेक के बीच के जितने भी मसले हैं इनकी आपसी लड़ाई में इनका पास्ट आ ही जाता है, और इनके आपसी लड़ाई में इस पास्ट में ये जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं कि 1.5 साल तूने क्या किया, मैं तेरी बातें बताऊं क्या, मैं खोलूं क्या, तो ये चीज़ें एक दूसरे को धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है इन दोनों के बीच की ये जो पास्ट वाली चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी और ये एक दूसरे के बहुत सारे राज जो है खोलते हुए नज़र आने वाले हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।